पीपल होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे जो कि डिक्लेरेटरी डिक्रीज के बारे में बताता है, जिसमें सिर्फ दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35। अब डिक्लेरेटरी डिक्रीज को समझना सबसे पहले जरूरी है कि ये होता क्या है। तो देखो, कोर्ट जब किसी के लीगल कैरेक्टर को लेकर के कोई डिक्लेरेशन करती है या किसी की प्रॉपर्टी पर उसके राइट को लेकर के कोई डिक्लेरेशन करती है, डिक्लेयर करती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सर्टन पर्सन को जो है ये सिर्फ और सिर्फ सर्टन पर्सन की है, सर्टन पर्सन को बिलोंग करती है, इसलिए कोर्ट ने जो भी डिक्लेरेशन निकाला उसे हम डिक्लेरेटरी डिक्री कहते हैं। सेक्शन 34 बताता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है ये कि वो ये डिक्री देंगे कि नहीं देंगे। देंगे सिर्फ और सिर्फ दो चीज में, कब, जब लीगल कैरेक्टर को डिक्लेयर कराना है तो, और या फिर किसी प्रॉपर्टी पर, किसी की प्रॉपर्टी पर कोई राइट को अगर डिक्लेयर कराना है तो। दोनों के एग्जाम्पल समझते हैं कि ये लीगल कैरेक्टर का क्या एग्जाम्पल है और ये राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी का क्या एग्जाम्पल है। लीगल कैरेक्टर को इस तरीके से समझो, मान लो कोई एक बच्चा है या कोई एक बच्ची है, कोई अडॉप्टेड गर्ल है, ठीक है। अब उसे पता है कि वो अडॉप्टेड है, और लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं, मान लो जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो उसको इस तरीके से उसके दिमाग में ये सारी चीजें भर रहे हैं कि तुम जो हो वो, मतलब तुम रियल डॉटर नहीं हो अपने पेरेंट्स की, या इस तरीके से वो ये चीज भर रहे हैं। लेकिन अब भाई माँ बाप ने बच्चे को अडॉप्ट किया है तो सारी जो संपत्ति है उनकी वो तो ऑब्वियसली उसी के नाम है ना, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं उसके दिमाग में ये सारी चीजें भर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके लीगल कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठ रहा है। तो यहाँ पर क्या वो कोर्ट जा सकता है या जा सकती है? बिल्कुल वो कोर्ट जा सकती है ये चीज डिक्लेयर कराने के लिए कि मैं जो हूँ वो अपने जो माँ बाप का या माँ बाप की बेटी हूँ, भले ही अडॉप्टेड है लेकिन बेटा बेटी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये लीगल कैरेक्टर को अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो लीगल कैरेक्टर जो है कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। दूसरी चीज, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई राइट है, ठीक है। आपने कहा ये फोन जो है वो मेरा फोन है, दूसरा सामने वाला पर्सन इस चीज को डिनाई कर रहा है कि नहीं ये मेरा फोन, ये तुम्हारा फोन नहीं है, ये मेरा फोन है। तो अब आप इस चीज को डिक्लेयर कराने के लिए कि ये फोन आपको बिलोंग करता है, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। सूट आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो, किसके अगेंस्ट करोगे ये जानना भी जरूरी है। अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग, जो पर्सन डिनाई कर रहा है उसके अगेंस्ट आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, और इंटरेस्टेड टू डिनाई या डिनाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब ये इंटरेस्टेड टू डिनाई कौन पर्सन हो सकता है? ये ट्रस्टी हो सकता है। तो देखो, ऐसे ही उठ के आप कोर्ट नहीं जा सकते किसी भी चीज को डिक्लेयर कराने के लिए, अनलेस एंड अनटिल अनदर पर्सन इज डिनाइंग योर राइट ऑन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और योर लीगल कैरेक्टर। जब तक कि कोई दूसरा पर्सन डिनाई नहीं कर रहा आपके लीगल कैरेक्टर को या फिर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी राइट को, जब तक दूसरा पर्सन डिनाई नहीं कर रहा है आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसीलिए यहां पर ये जरूरी है आप सूट उसी किसी के खिलाफ ही सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा ना, ऐसे ही तो कुछ भी उठा करके आप सीधे कोर्ट में कि मुझे सिर्फ डिक्लेरेशन चाहिए इसलिए मैं कोर्ट में जा रहा हूं, नहीं, किसी के खिलाफ ऑब्वियसली सूट इंस्टीट्यूट होगा, तभी तो हम मानेंगे कि कोई चीज सूट इंस्टीट्यूट किया गया है इस इंसान के खिलाफ कि भाई ये पर्सन मना कर रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं है लेकिन मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो आपको कोर्ट डिक्लेरेशन दे देगी। इसलिए यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि उस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाएगा जो पर्सन डिनाई कर रहा है या फिर इंटरेस्टेड टू डिनाई है। दूसरी चीज, अब यहां तक बात हो गई, कोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन दे देगी, लेकिन एक बार अगर कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दी तो प्लेंटिव जो है वो किसी भी और तरीके का रिलीफ सीख नहीं कर सकता कोर्ट से। कोर्ट ने अगर एक बार डिक्लेरेशन दे दी तो किसी भी दूसरे तरीके का रिलीफ जो है वो प्लेंटिव सीक नहीं कर सकता है कोर्ट से। डिक्लेरेशन इज द वन एंड ओनली रिलीफ अगर कोर्ट ने दे दिया डिक्लेरेटरी डिग्री तो। दूसरी बात यहां पर, जो तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नो कोर्ट शैल मेक डिक्लेरेशन व्हेन द प्लेंटिव बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन डिक्लेरेशन एंड इफ ही ओमिट्स टू डू सो। भाई जो डिक्लेरेशन कराने की बात है ये बहुत ही छोटा सा रिलीफ है, ठीक है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आप दूसरे ऑप्शन पे जाकर के आप कोई और रिलीफ सीख कर सकते थे कोर्ट से, आपने वो रिलीफ सीख ना करके डिक्लेरेशन को सीख किया,
यहाँ पर जो है कोर्ट डिनाई कर सकती है, कोर्ट कहेगी कि हम आपको डिक्लेरेशन नहीं देंगे क्योंकि आपके पास दूसरा रास्ता था, दूसरा रिलीफ को सीक करने का आपके पास रास्ता था, बट आपने ओमिट किया, आपने डिनाई किया कि आप वो रिलीफ ना लेकर के ये छोटा सा रिलीफ डिक्लेरेशन का लेने आ गए, ठीक है। तो इस वजह से कोर्ट जो है वो मना कर सकती है कि हम डिक्लेरेशन नहीं देंगे। सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन तो हमने देख लिया कि कोर्ट ने डिक्लेरेटरी डिग्री पास कर दी, लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या असर होगा इसका, सो ये किस पे बाइंडिंग होती है, बेसिकली सेक्शन 35 इस बारे में बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द सूट, जो सूट की पार्टीज है उन पर बाइंडिंग है। पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम, जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई पार्टीज का कोई लीगल हायर है तो वो अगर क्लेम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी बाइंडिंग होगी, और कोई ट्रस्टी या बेनिफिशियरी है तो उनके ऊपर भी जो डिक्लेरेशन होता है ये बाइंडिंग होता है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।